नमस्कार दोस्तों, और अभी हम लोग बिलासपुर से 50 किलोमीटर दूर बेलगाना आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि एक जो परिवार है वो पूरी तरीके से डरा हुआ भी है, इंतज़ार भी कर रहा था हम लोगों का बड़ी बेसब्री से, क्योंकि हम लोगों का इंतज़ार तभी लोग करते हैं जब उनके घर में बहुत बड़ी मुसीबत आती है, और वो मुसीबत का नाम होता है सांप। सांप से जनरली लोगों को डर लगता ही है। दूसरी चीज़ ये है कि शायद इन्होंने काफ़ी पुराना एक पीपल का पेड़ कटवाया है, उनका कहना है कि वहीं से सांप निकला है। और इनकी सबसे अच्छी मंशा यह है कि रात के इतने लेट नाइट तक ही देखें, घर का छोटे से छोटा सदस्य से लेकर सबसे बड़े सदस्य तक यहाँ ये लोग सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि सांप को जैसे भी हो ये लोग बचा सके। चाहे इनकी आप आस्था मानिए, चाहे इनकी अच्छी सोच मानिए, तो चलिए हम लोग सांप को रेस्क्यू करते हैं और इनकी जो इच्छा है उसको पूरी भी करते हैं और इनके डर को भी ख़त्म करते हैं। दोस्तों, इस सांप की किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह है स्पेक्टिकल कोबरा। और जिस जगह पर यह है, यहाँ पे जनरली लोगों का आना जाना, आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ भाजी लगा हुआ है, मतलब घर की गृहणियाँ यहाँ पे लगातार आती रहती, बच्चे यहाँ पे लगातार खेलते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि घर वालों की नज़र पड़ गई तो किसी भी प्रकार का हादसा नहीं हुआ। तो चलिए हम लोग इस सांप को रेस्क्यू करके बाहर लेकर आते हैं। काफ़ी लोग इसके दर्शन के लिए यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे पता चलता है ऐसे नागिन की और इसको नाग है कि नहीं? हाँ दीदी, नाग होगा। तो अच्छी बात है कि सही समय पर पूरे परिवार वालों के सांप पर नज़र पड़ गई और किसी भी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ। तो हम लोग सिर्फ लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अगर स्नैक बाइट होता है तो आप लोग प्लीज़ हॉस्पिटल जाइए, झाड़ फूँक देसी इलाज के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा। और किसी भी टाइम पर अगर आप लोगों को हमारी ज़रूरत है, आप हमारे नियरेस्ट है, तो हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। और अगर दूर है तो फ़ोन के थ्रू हम लोग जितनी हेल्प कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक लिए आप लोग अपने और अपने परिवार और अपने पर्यावरण का ध्यान रखिएगा। तब तक लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। आज बिलासपुर में मैं था, बेलगहना में मेरा घर है, जहाँ पर मुझे मालूम चला कि एक स्पेक्टिकल कोबरा वहाँ पर है गार्डन में। और सबसे पहला ख्याल जो आज मेरे मन में आया, इससे पहले भी स्नेक रेस्क्यू टीम के भैया कमल चौधरी और दीदी हमारे यहाँ से आके सांप निकाल चुके हैं, रेस्क्यू कर चुके हैं, तो पहला ख्याल मेरे दिमाग में उन्हीं का आया। मैंने सबसे पहले उन्हीं को कॉल किया, और 50 किलोमीटर दूर बोलने के बावजूद उन्होंने रात देखी ना दिन एक बार में मेरे साथ आए, और आज बेलगहना में आकर के 50 किलोमीटर दूर बिलासपुर से उन्होंने स्पेक्टिकल कोबरा रेस्क्यू किया। सबके घर में ऐसा होता है, और डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप कमल भैया और दीदी को कभी भी कॉल कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। और हमेशा की तरह सबका धन्यवाद, आप दोनों का स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने 50 किलोमीटर दूर आज इस डर के माहौल को ख़त्म किया
और सारे लोगों की चैन की नींद आज आपने। थैंक यू, थैंक यू आशीष जी। और सबसे बड़ी आशीष है ना, इसकी जान बचाने में सबसे बड़ा श्रेय आपको जाता है। अरे आ जाना तू भी, आ जा। देख दीदी कैसे देख रही है, पति के बगल में खड़े हो जाना।